नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बवासीर के बारे में बात कर रहे हैं। बवासीर, जिसे हम पाइल्स भी कह सकते हैं, अर्श भी कह देते हैं, मेनली बवासीर जो है दो तरह की होती है। एक तो खूनी बवासीर होती है और एक बादी वाली बवासीर होती है। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही रहता है कि खूनी बवासीर के अंदर तो क्या है, देखिए, गुदा से मस से बाहर आ जाते हैं, जिनमें से अक्सर खून आता है। वो चाहे ड्रॉप बाय ड्रॉप आए या एकदम से पिचकारी की तरह बहुत ज़्यादा, और उसमें खारिश बहुत होती है, दर्द बहुत होता है, जलन बहुत होती है। और जो बादी वाली बवासीर होती है, उसके अंदर खून नहीं आता, परंतु जो गुदा से मस से बाहर आ गए हैं उनमें कोई चुभन सी होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, खारिश बहुत होती है, जलन बहुत होती है। यानी कई बार तो फ्रेश होने के बाद एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा तक पेन रहता है। तो जो बवासीर की शिकायत है, ये मेनली गलत खान पान की वजह से होती है। जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तली फली चीज़ें बार बार लेते रहते हैं, बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा, तेल मिर्च मसाला जो बार बार इस्तेमाल करते हैं, उनको अक्सर बवासीर की शिकायत हो जाती है। या फिर जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, जिनका पेट साफ़ नहीं होता, तो उसमें भी बवासीर की शिकायत हो सकती है। बहुत लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से, क्योंकि जब ज़्यादा बैठक होगी तो स्वाभाविक है आँतों में सूजन आ सकती है और बवासीर की शिकायत हो सकती है। पानी कम लेने के कारण भी अक्सर बवासीर की शिकायत हो जाती है। तो बवासीर के रोगियों को एक तो देखिए, अपना जो खाने का शेड्यूल है, खाने का टाइम टेबल है और खाने का जो चार्ट है, वो फिक्स करना चाहिए। जैसे हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, फाइबर युक्त जितने भी फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, और गर्म पानी का सुबह सुबह सेवन करना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर मसों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खारिश हो रही है, तो उसके ऊपर सरसों का तेल लगाया जा सकता है, उससे भी काफ़ी आराम मिल जाता है। और मेनली कब्ज़ ना रहने दें, इसके लिए आप सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, मतलब जितना आप घूमेंगे फिरेंगे उतना ही डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहेगा, पेट साफ होता रहेगा और बवासीर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी किसी को परेशानी हो रही है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर पायरो प्लस BC17। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मुलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा रहता है। पीने के लिए डॉक्टर पायरो ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की 1 कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 17 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाला, तली फली चीज़ें ना लें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285742000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।